हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमारा बुनियाद का एग्ज़ाम हुआ है अभी 2023 में, इसी मंथ हुआ है, तो उसका सोल्यूशन करेंगे। मिशन बुनियाद का जो है लेवल 1 का एग्ज़ाम, तो उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए सी कोड है आया हुआ, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। जैसे इसमें हमारे पास चित्र दिया गया है ये, और इसमें हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली एंगल निकालना है हमने वाई की वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम जो इस तरह की कोई भी फिगर होती है तो उसमें बाहर के एंगल है, जैसे एक्स है, 2x है, और ये है 5/3x है, 3x है, और 4/3x है। तो इन सबको ऐड करना है हमने। तो ये देखिए ये ऐड कर दिया है इधर, इन सबको जोड़ के और 9x आ जाता है, और ये 360 के इक्वल हमने रख दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू 40 आ जाएगी। और हमारे पास अब जब x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 40, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, जो x और प्लस y, जो ये पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हमारे पास है 40 डिग्री आ गया, तो y आ जाएगा 180 माइनस 40, यानी y 140 डिग्री आएगा। तो इसमें आंसर जो है ये सी दिया गया है, ये सही है बच्चों। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें इस पाई चार्ट है ये, तो इसको दिया गया है, तो इसको देखते हुए हमने बताना है कि जैसे ये फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, ये बैडमिंटन खेलने वाले हैं, ये टेनिस खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, और बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, सबसे कम टेनिस खेलने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है इसने कि सबसे कम विद्यार्थी कौन सा खेल खेलते हैं, तो इसमें टेनिस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सा खेल है, टेनिस है। और अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं। तो ये देखिए ये पूरा जो है इसके 4 पार्ट हैं बच्चों, यानी एक पार्ट जो है 1/4 पार्ट जो है वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, यानी 1/4 भाग में फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने विद्यार्थी होंगे उसको 4 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी से रिलेटेड है ये कि अगर 108 विद्यार्थी हों तो कितने बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन भी वही आ जाएगा आपके पास, ये बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं, तो ये 1/4 पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, 108 विद्यार्थियों को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 से भाग दिया है 108 को हमने, तो हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की और जेड की वैल्यू दी गई है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने इसमें एक्स की जगह पे जैसे हमने क्या लिखा, 1 रख दिया, वाई की जगह पे -1 रख दिया, और जेड की जगह पे -1 रख दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आएगा आंसर -1/3, क्योंकि ऊपर जो है 1 है, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, और ये -1 रह जाता है अकेला, तो ये 1 माइनस आएगा, -1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई रस्सी है, ठीक है, ये इतनी ये रस्सी है, सपोज करो ये 2 से ही 1/2 मीटर लंबी है। अब इसको हमने इतने इतने टुकड़ों में तोड़ना है, तो हमें पता है कि अगर हम ये 2.5 मीटर है और ये 1.25 मीटर है, ठीक है, तो जो 1.25 है, ये एक तरह से क्या है, 1.25 मीटर है, और हमारे पास 2.5 मीटर टोटल है,
तो जब हम इसके दो टुकड़े हो जाएंगे ना, इसके दो टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा इतने का ही होगा। तो इसलिए हमने ये डिवाइड भी करके दिखाया है। जैसे हमारे पास ये है 2.5 मीटर है, ये 1.25 मीटर है, तो इसको हमने 5/2 में चेंज कर दिया, ठीक है इसको, और इसको हमने चेंज कर दिया 5/4 में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये कट के 2 आ जाता है, तो ये आंसर आएगा 2, ठीक है। तो दो टुकड़े होंगे इसके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसमें देखिए किसी परीक्षा में 40 बच्चे हैं, कितने हैं 40 बच्चे, और 50 अंक औसत आते हैं, यानी 50 अंक का मतलब हर एक बच्चे के 50 अंक हैं, और 40 बच्चे हैं, तो गुना 40 करेंगे हम, 50 गुना 40, तो हमने ये देखो 2000 आएगा टोटल आंसर, ठीक है। तो इसने यही पूछा था कि 40 बच्चे हैं कक्षा में और एक बच्चे के 50 आते हैं, तो टोटल कुल अंक कितने होंगे पूरी कक्षा के, तो 2000 अंक हो जाएंगे। फिर सातवां क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, तो सातवें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी जो पावर है माइनस में है, तो प्लस में बनानी है, धनात्मक बनानी है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो 4/5 है, यानी 4/5 है, तो अगर हम 5/4 यानी इसको उल्टा देते हैं, तो इसकी पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, यानी पावर का साइन चेंज हो जाता है जब हम इसको चेंज कर देते हैं, 5/4 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि ए जो है और यह बी दिया गया है, तो ये कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये ए अगर हम 9 रख देते हैं और बी को अगर हम 8 रख देते हैं, तो ये तभी 7 आता है, 9 और 8 17 होता है, तो ये आ जाएगा और ये 1 ऊपर आ जाएगा कैरी ऑन, ठीक है। तो 6 जमा 1 7 और 3 10 बनेगा, तो तब जाके ये वैल्यू आएगी, तो इसलिए आंसर इसका 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे पास ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, और एंगल ए बी सी 56 डिग्री दिया गया है, 56 डिग्री एंगल दिया गया है, तो ये एंगल दिया गया है 56 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि ये समचतुर्भुज है, हमने एंगल निकालना है, ये असल में ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए सी डी निकालना है, क्या कौन सा निकालना है, ए से सी, सी से डी, तो ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल डी एंगल दोनों सेम है, यानी ये पूरा एंगल 56 डिग्री है, और ये एंगल हो जाएगा इसका 56 का आधा 58, यानी 28 डिग्री, ठीक है। 56 का हाफ करेंगे तो 28 डिग्री आ जाएगा ये अंदर वाला एंगल, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो ये रोम्बस होती है या समचतुर्भुज होती है ना जो, तो उसके ये विकर्ण होते हैं, जो कौन से, ये वाले विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये 90 डिग्री का आ गया, ये 28 का आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको 90 को ऐड करके 180 में से कट करेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 180 में से माइनस करेंगे 90 ये वाला, तो ये आ गया 90, और 90 में से 28 माइनस और कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 62 डिग्री, तो ये 62 डिग्री आपका आंसर आएगा बच्चों इसका, तो ये आंसर है देखो 62 डिग्री, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 10th क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करना है बच्चों, इसमें करना है आपके पास है कि
ये है आपके, तो ये इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड बोलते हैं या फैक्टर हैं। फैक्टर ऑफ दिस आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए और बी की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो नीचे देखिए आपका इसका आंसर दिया गया है, मैंने दिए सॉल्व किया था इसको। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये वाला आंसर आएगा इसका, ए आंसर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक्स की के स्थान पे पहले 7 रख देते हैं, फिर एक्स के स्थान पे 9 रख देते हैं, तो दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। कितनी बनेंगी, दो इक्वेशन। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो इसमें देखिए, जब इसमें हमें दिया गया है, जैसे एक्स माइनस 7 का मतलब है एक्स बराबर 7 दिया गया है, और एक्स प्लस 9 का मतलब है एक्स इक्वल टू माइनस 9। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने पहले एक्स को 7 रखना है। तो जब हमने इसमें एक्स को 7 रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एक। तो इसको 7 के स्केयर को हमने क्या किया, दूसरी साइड ले गए, 49 हो जाएगा माइनस का। तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी, ऐसे ही जब हम एक्स को माइनस 9 इसमें रखते हैं, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ये होगी, इन दोनों को हमने क्या किया, घटा दिया। तो जब हम घटाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे हमें जो इस तरह से सॉल्व करके ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ऐसे ही जब हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 2 रखेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमें ऐसे। तो यहाँ से आ रही है जैसे ये, तो ये बी आ जाएगा -63, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये वाला ए, ये आंसर सही है, ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू -63 है, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों कि हम 3696 यानी 396 को किस संख्या से गुणा करें, या द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वेयर, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो हमारे पास देखो ये फैक्टर किए हैं, जब दो के पेयर बन गए हैं, तीन के पेयर बन गए हैं, लेकिन 11 जो है अकेला रह गया है, तो हमें ये एक 11 और चाहिए। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 11, यानी 11 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको इधर ले जाएंगे, एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इक्वल टू से बाद, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स वाले हैं ये एक तरफ कर लिए, जो 2x था ना, जैसे 2x को हमने इधर ले गए हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x, और इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2। तो यहाँ से 3x और में से 2x कट गए, तो 1x रह जाएगा, और यहाँ 1 में से माइनस 2 गए, तो -1 रहेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्यूब भी 1, 1 की 4 भी 1, 5 भी 1, 6 भी 1, तो ये 5 टाइम 1 1 1 ऐड हो जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि ये एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, 4 की पावर -x दी गई है। तो हमने इसको लिख लिया 4 की पावर -x, और 16 को हमने लिख दिया है 4 की पावर 2, ठीक है। तो जब बेस सेम होते हैं ना, यहाँ भी 4 है, जैसे यहाँ भी 4 है, 4 है, तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, यानी -x के बराबर हमने 2 लिखना है। तो ये लिख दिया -x = 2, तो x बराबर आ जाएगा -2, क्योंकि ये माइनस जो है दूसरी साइड हम ले गए, तो ये आ जाएगा वैल्यू एक्स इक्व बी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर
फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, 15th है, तो इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो दो 343 है, 343 है जो, ये जब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है ये, ठीक है। और 64 64 जो है, जब 3 को हम 3 बार गुना करते हैं 4 को, तो 64 आता है। तो हमने इसको क्या कर लिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है। 7 की पावर 3, और इसकी पावर जो है ये घनमूल होता है, ये क्यूब रूट होता है 3। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही -64 को हमने 4 की पावर -4 की पावर 3 लिख दिया, तो 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 7 गुना -4, तो ये -28 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बी पार्ट आंसर है इसका। फिर उसके बाद है, ये कह रहा है कि एक तस्वीर है, फोटो है कोई, तो उसका परिमाप निकालना है हमने, यानी फोटो फ्रेम है कोई, जैसे ये फोटो इस तरह से कोई है, तो ये 30 मीटर जो है लंबी है और 20 मीटर चौड़ी है, तो इसका परिमाप निकालना है, ये इस फोटो फ्रेम की लंबाई। तो ये 30 ये हो जाएगा, 20 ये 50, और 30 80, और 20 100। तो आपके पास जो है सी आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है, जैसे इनको ऐड कर दिया, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17वें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, 17th क्वेश्चन है। 27 स्केयर है, 27 स्केयर है, इसका घनमूल या क्यूब रूट निकालना है। तो हमने 27 को क्या किया, 3 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 गुना 3 मल्टीप्लाई 3, तो 27 आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 की पावर 3 लिख दिया 27 को, ठीक है। और ऊपर पावर 2 है तो ये भी लिख दी, तो 3 × 2 होता है। अब इस 2 को हम अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिख देंगे, तो ये कर दिया। अब 3 का स्केयर क्या है, 9 होता है, ठीक है, ये 9 आ गया, और ये क्यूब बार तो ये आ गई, ठीक है। तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब, और 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है 18वां क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8वां है जैसे। तो ये कह रहा है कि एक सम संख्या का या इवन नंबर का जो स्केयर होता है या वर्ग होता है, वो सम होता है या क्या होता है। जैसे 2 का स्केयर करते हैं हम तो 4 आता है, 6 का स्केयर है तो 36 आता है, यानी ये भी इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो इसमें ए आंसर आ जाएगा आपके पास, इवन नंबर, ठीक है, हमेशा सम संख्या ही होती है, सम संख्या का स्केयर। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन है कि हमें ये प्राप्त करने के लिए इसमें से इस संख्या को किससे भाग करें कि हमें ये आ जाए, ठीक है। यानी विच नंबर शुड बी डिवाइडेड विच बाय व्हाट नंबर, यानी किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि हमें आंसर ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने देखिए ये किया हुआ है इसका आंसर, हमने क्या करना है, 1 × जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है ना ये वाला, तो इसको हमने चेंज कर लिया है ऐसे। तो 5/3 को हम डिवाइड करेंगे इससे, 2/3 से, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/2 हो जाएगा ये, यानी ये ऊपर नीचे चला जाएगा ये, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5/2 रह जाएगा, और 5/2 का आंसर ये होता है 2 × 2 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 20। तो 20 में ये कह रहा है कि हमारे पास ये ऑप्शन में एंगल दिए गए हैं ट्रायंगल के, तो इनमें से कौन से एंगल जो हैं किसी ट्रायंगल के एंगल होंगे, किसी त्रिभुज के कोण होंगे। तो जिनका सम हम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे, जिनका जोड़ जो है 180 डिग्री आ जाता है, ऐड करके 180 डिग्री आ जाता है, तो वही कोण जो होते हैं, वही एंगल ट्रायंगल के एंगल होते हैं, वही त्रिभुज के कोण होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास बी, ठीक है। बाकी किसी का भी सम जो है 180 नहीं होता।
फिर उसके बाद है आपके पास, तो आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है। तो इसमें ये देखिए क्या कहा गया है कि एक 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए एक कालीन है, और वो कालीन है 60 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। तो वो कितनी लंबी कालीन की जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 18 मीटर है ना उसको सेंटीमीटर में बदल दिया, 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 मीटर को 1500 सेंटीमीटर में बदल लिया, इनको गुणा करके 60 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये कट के जो है 45,000 सेंटीमीटर आया। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी दो, तो ये 450 मीटर आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है 450 मीटर आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, तो नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी परिमेय संख्या का योग करना है। तो हमने क्या किया बच्चों, जो हमारे पास गिवन रैशनल नंबर थे ना या परिमेय संख्याएं हैं, ये देख लिया हमने भाग करके, यानी हमारे पास देखो ये तो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी ये, ठीक, जीरो माइनस में 0.66, और इसकी वैल्यू आएगी ये, ठीक है, 0.87, और माइनस 4/5 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी माइनस 0.8, और 2/9 की वैल्यू ये आती है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, तो सबसे छोटा है इनमें ये माइनस वाला, माइनस में जो है ना, माइनस ये, यानी ये है जो सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा है हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। यानी ये दोनों जो हैं सबसे छोटे और बड़े हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो देखिए नीचे दिया गया है, ये इन दोनों को ऐड किया, 40 इनका एलसीएम आ गया, और ये 3/40 आंसर आ जाएगा आपका जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, 23 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, और ए बी और सी डी उसके पैरेलल हैं। तो हमने ये बनाया है ऊपर, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो इसमें दिया गया है, इसमें क्या होता है बच्चों, कोण ए और कोण डी का मान जब दोनों को ऐड करते हैं ना, तो 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एंगल ए प्लस डी कितना है, 180 डिग्री। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 24 पे। तो 24 क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है, जैसे समलंब है और समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब है बच्चों कि हमारे पास ये देखिए ये फिगर बनी गई है, तो ये वाली एंगल और ये भी सेम है, और ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये कह रहा है कि P और S 180 है, यानी एंगल P प्लस एंगल S की वैल्यू 180 होती है, और Q प्लस R की वैल्यू भी 180 होती है। तो ये भी सही है, PS इक्वल टू, यानी PS और QR दोनों सेम है, PR और QS, PR और QS भी दोनों बराबर हैं। तो ये कह रहा है बच्चों, तो ये तो इसमें आल ये सभी आ जाएंगे, डी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें कहा इसने कि इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, हमने किस क्रम में लिखना है बच्चों, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए नीचे आपके पास जैसे 3^12 है, तो हमने इसको लिख दिया 3^4 × 3, ऐसे ही 15 को लिख दिया 5 × 3, और 6 को लिख दिया 2 × 3, यानी हमने सबके ऊपर 3 3 बनाना है बाहर की तरफ।
अब 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है बच्चों, और 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 2 होता है 25। अब इनमें देखिए पावर तो सबकी सेम है, 3 3 3। ये 25 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 32 है, उससे बड़ा 81 है। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, ये उससे बड़ी होगी, ये उससे बड़ी होगी, तो इसका आंसर बी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 की पावर 6 सबसे छोटी होगी, फिर हो जाएगी आपके पास 3 की पावर 12 और 2 की पावर 15 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन ये करना है। फिर 26वां क्वेश्चन है बच्चों, तो 26वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करें। तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं ना, 4 गुणा 4 आ जाएंगे, 3 गुणा 3 आ जाएंगे, और 1 3 जो है अकेला रह जाएगा, तो इसको भी हमने पूरा करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, फिर उसके बाद है 27 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हल करना है। तो हमने क्या किया, 3 को x से भी गुणा कर दिया, 3 को 1 से भी गुणा कर दिया, तो ये आ गया 3x-3, और ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये 2x को हमने इधर लेके आना है, तो ये आ जाएगा 3x-2x, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 11 माइनस के 11 हैं, और 3 माइनस का इधर जाके प्लस को हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से -8 आ जाएगी बच्चों, तो ये आपका ए आंसर है। फिर उसके बाद है 28 क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें हमने सॉल्व करना है, यानी इसको देखना है क्या आंसर आएगा। तो इसमें देखिए एक्स की पावर जो है ना ये, और एक्स की पावर ये है, एक्स की पावर ये है, तो हमने एक्स की पावर्स को इनको ऐड करके लिख लिया ऐसे सबको। तो जब हमने ऐड करके देखा तो ये सभी कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ए बी से बी ए कैंसिल हो जाता है, ए बी और बी ए सेम होता है, ए सी और सी ए कैंसिल हो जाता है, बी सी और सी बी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रह जाती है, और किसी की भी वैल्यू, किसी की भी पावर 0 होती है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो इसी आंसर आएगा इसका 1। ठीक है, फिर 29 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का दुगना है। तो हमने क्या किया, सबसे छोटा कोण x मान लिया, और दूसरा कोण दुगना का मतलब 2x हो जाएगा, और दूसरा कोण 3 गुना है, और ये दूसरा है ना, ये 3x हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो तीनों को ऐड करके 6x आ जाता है, और तीनों की का जोड़ जो होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 6 इसके से जब 180 को भाग देंगे तो 30 आ जाएगा आपके पास, तो एक्स की वैल्यू 30, यानी सबसे छोटा कोण 30 है, तो सबसे छोटा 30 आ जाएगा, उससे बड़ा 60 आ जाएगा, और उससे बड़ा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तीनों कोण है, सबसे छोटा 30 है इसमें, तो 30 आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 30 में हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए इसमें -27 -27 दोनों सेम है, कॉमन है, तो हमने क्या किया, -27 क्या किया, -27 कॉमन ले लिया, तो ये -16 रह गया, यहाँ पे -14 रह गया। ठीक है, तो आगे है हमारे पास, जैसे हमने क्या करना है, 27 को तो हमने कॉमन ले लिया, और अंदर जो बच गया -16 और -14 इकट्ठा लिख लिया, तो -16 और -14 होते हैं -30, और ये -27 से गुणा होएगा जब, तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और 27 को 30 से गुणा करेंगे तो 810 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 810। ठीक है, फिर उसके बाद है 31वां क्वेश्चन है आपके पास,
400 ml में 15% घोल की कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाए कि उसकी क्षमता 32% हो जाए? तो ये इसका आंसर आपके पास 16 ml आ जाएगी, नहीं 100 ml, 100 ml इसका आंसर आएगा बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास 32वां क्वेश्चन है, एक आदमी जो है 10 मीटर पूर्व जाता है, तो ये 10 मीटर पूर्व चला गया इधर पूर्व की दिशा में, फिर ये 24 मीटर उत्तर जाता है, तो ये इधर 24 मीटर उत्तर की दिशा में चला गया। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से अब ये कहाँ कितनी दूर है इस पॉइंट तक, तो ये दूरी निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी कि ये जो होगी ये वाली संख्या, तो इसका 24 का वर्ग आएगा 576 और 10 का वर्ग आएगा 100, इन दोनों को जोड़ दिया तो 676 आ गया। तो 676 जो होता है 26 का वर्ग होता है, तो 26 आपका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, 26 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। फिर आपके पास है 33 क्वेश्चन, तो 33 में ये कह रहा है कि ए बी सी पूर्णांक संख्याएं हैं और ए बड़ी है बी से, ठीक है, तो तब क्या होगा? तो अगर ए सी जो है पूर्णांक संख्या है और ए बी से बड़ी है, ए ए बड़ी है बी से, यानी जैसे आपके पास 5 है और बी जो है आपके पास सपोज करो 3 है, और इसको सी से किसी से भी गुणा करते हैं, सी का मतलब है आपके पास, जैसे मैंने 2 से गुणा किया, सी है जो 2, तो 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 से ही इसको गुणा करेंगे, तो ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये भी इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, तो 34वें क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन 2 का स्क्वेयर, और वाई अपॉन 9 को हम लिख सकते हैं वाई अपॉन 3 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रिमेय संख्याएं हैं या रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर पाई भी है बच्चों, और ये भी होता है क्योंकि 0 भी रैशनल नंबर आता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये भी रैशनल नंबर है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, तो 36 में क्या है, गणित की परीक्षा में 12 छात्रों द्वारा अंक प्राप्त करेंगे ये, तो 12 बच्चों ने ये अंक लिए हैं, किसी ने 21 अंक लिए, 20 लिए, 25 लिए, 5, 10, 15, तो ये सभी अंक बच्चों ने लिए हैं। तो ये कह रहा है कि इनके अंकों का परिसर या रेंज निकालिए। तो रेंज या परिसर क्या होता है बच्चों, कि सबसे कम कितने अंक लिए और सबसे ज़्यादा कितने अंक। तो सबसे कम तो आए 5, सबसे ज़्यादा जो है 30 हैं, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 5 को घटाएंगे, 25 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो 25 इसकी रेंज आएगी, परिसर आ जाएगा। फिर 37 नंबर है क्वेश्चन नंबर 37, तो इसमें x की पावर 3/2 दी गई है, इक्वल टू 8 दिया गया है, तो x का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए बच्चों हमने क्या किया, ये जो x की पावर 3/2 है ना, तो इसको हमने दूसरी साइड ले गए हैं, तो ये 2/3 हो जाती है, 3/2 क्या हो जाएगी, 2/3 8 की पावर, तो 8 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3 जो होता है 8 होता है, 8 होता है, और ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2 रहेगा, तो 4 इसका आंसर आएगा बच्चों, 4, ठीक है। फिर है 38वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 7 के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालनी है 7 की,
तो 700 प्लेस वैल्यू पे है, तो ये 700 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 39 क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य नहीं है जो क्वेश्चन है बच्चों, कि ये कह रहा है कि तीन रेखा खंडों से त्रिभुज बन जाती है, लाइन सेगमेंट जो कोई भी तीन लाइन सेगमेंट है, जैसे ये है एक लाइन सेगमेंट, ये है एक, ये है ऐसे, ये एक ऐसे, तो इनसे कोई ट्रायंगल थोड़ी बनी है ऐसे, इनको अरेंज करना पड़ता है एक ऑर्डर में, तब ट्रायंगल बनती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है द्विमीय आकृति या टू डायमेंशनल आकृति कौन सी है इसमें, तो आयत या रेक्टेंगल जो है वो 2D है इसमें बच्चों, बाकी 3D है, सभी त्रिआयामी है। फिर ये कह रहा है कि घनाभ के कितने किनारे होते हैं, घनाभ के 12 किनारे होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। फिर 42वां क्वेश्चन है आपके पास, दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर की गुणा जो है प्रोडक्ट जो है वो ये है -8/9। तो यदि हमारे पास एक संख्या ये हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 8/9 दिया गया है ना, इसको डिवाइड कर देंगे इससे दूसरी संख्या से। तो जब ये डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये -4/15 है ना, तो इसको 15/4 -4 लिख देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे, 4 2 8 होते हैं, 4 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, और 9 3 3 9 होते हैं, 3 5 10 होते हैं, तो ये 2 है, तो 2 और 5 जो है मल्टीप्लाई हो के ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, तो यदि किसी संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका घन कितना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास, जैसे मैंने 2 की क्यूब निकाली, 2 का घन आता है 8, तो 2 को मैंने 2 गुना कर दिया 4, तो 4 का घन जो है 64 होता है। अब ये देखो, पहले 8 था ये, अब 64 हो गया, तो ये कितने गुना हो गया, 8 गुना, ठीक है, तो 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, इसको सॉल्व करना है हमने, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 की पावर 3 होता है 1, ठीक है, ये आ जाएगा, 2 की पावर 8 3 होता है 8, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, इसको सॉल्व करके ये आ जाता है, तो इनको कट करके ना, तो ये आपके पास 2/225 2/225 आंसर आएगा इसका डी, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 45वां है, तो 45वें क्वेश्चन में समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है, तो दूसरे विकर्ण को हमने निकालना है, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये दी गई है ट्रायंगल, ये रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका परिमाप दिया गया था 160, तो 160 परिमाप का मतलब 40 40 40 40, तब 160 होता है, तो एक साइड इसकी 40 है, और ये कह रहा है कि ये वाला परिमाप जो है ना, इसने 10 दिया गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, कितना होगा 5, और ये 40 है बच्चों, ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण होता है, कितना होता है 90 का, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू ये निकल जाएगी 40 का वर्ग + 5 का वर्ग, तो इनका भी वर्गमूल लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 15 वर्गमूल 7, लेकिन हम ये एक्स यहाँ से यहाँ तक है ना, तो हमने यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, तो ये भी इतना ही है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 30√7, तो आपके पास जो ऑप्शन सी है ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 में हमने क्या करना है,
ये आपके पास ट्रायंगल दी गई है, इसमें आपने बताना है कि ए बी सी ट्रायंगल जो है समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री का एंगल दिखाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी। ए बी आ जाएगा आपके पास, ये निकल गया जैसे 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने निकालना है ए सी, क्या निकालना है, ए सी 20 आ जाएगा ऐसे ही। फिर हम देखेंगे कि जो ए बी का वर्ग है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन देखें ऊपर, तो ये आ जाएगा ए बी का वर्ग 20 का वर्ग 400, ए बी यानी 25, 15 का वर्ग 225, और ये पूरा बी सी जो है ये है 25, 9 जमा 16 25 होता है, 25 का वर्ग होता है 625, तो ये दोनों सेम आ जाते हैं, तो इसलिए ये जो है समकोण त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 14 बोरी चीनी की है और टोटल इतना वजन है, तो एक बोरी चीनी में कितना वजन होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे नहीं, इसको इससे भाग दे देंगे। ये तो ये हमने भाग दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो आपका आंसर ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में हमने एंगल 4 निकालना है बच्चों इसमें, ठीक है। एंगल 1 दिया गया है 60 डिग्री, एंगल 2 दिया गया है 100 डिग्री। तो हमारे पास देखिए, जब एंगल 2 है ये 100 डिग्री दिया गया है, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल भी 100 ही डिग्री होता है। तो जब ये 100 डिग्री होगा ना, तो एंगल 3 जो है वो 80 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों जो का एंगल का सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। तो 100 तो ये हो गया, तो 80 3 डिग्री है, तीसरा एंगल जो है 80 डिग्री है बच्चों, और एंगल 1 हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो एंगल 4 आ जाएगा हमारे पास, ये देखो एंगल 4 आ जाएगा, 180 में से 80 और 60 को घटा देंगे तो 40 डिग्री आपका आंसर आएगा बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, तो हमने ये प्राप्त करने के लिए इसमें से घटाया जा, क्या घटाएं हम, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसी को घटा देंगे। तो हमने जब इसको घटाया तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों, क्वेश्चन ये बी पार्ट है आपका आंसर। फिर है 50वां क्वेश्चन है, एक पिक्चर फ्रेम है 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण है, तो विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो नीचे देखिए आपके पास है, ये ट्रायंगल बन जाएगी 80 और 60 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स निकालना है हमने, तो एक्स आ जाएगा 80 का वर्ग जमा 60 का वर्ग और सारे का वर्गमूल, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। 80 का वर्ग जो होता है 6,6400 होता है, 60 का वर्ग जो होता है 3600 होता है, तो ये पूरा 10,000 आ जाएगा, 10,000 का वर्गमूल होता है 100, तो इस ये इसका विकर्ण आ जाएगा 100 बच्चों, तो इसका आंसर ये आ जाएगा डी 100, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा पेपर हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।